हेलो स्टूडेंट, आप क्लास 9th and 11th, वेलकम अगेन ऑन दिस यूट्यूब चैनल। अ क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स इज गिवन, एन इंजन अप्रोचिंग अ हिल एट अ कांस्टेंट स्पीड ब्लू इट्स विसल व्हेन 0.9 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द हिल। कह रहे हैं एक इंजन है जो किसी हिल को अप्रोच कर रही है, हिल की तरफ जा रही है, पहाड़ी की तरफ, और उसने एक सीटी मारी। सीटी लगाते समय वो इंजन हिल से कितने डिस्टेंस पे था? 0.9 किलोमीटर डिस्टेंस पे था। तो हम फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। ये हिल है, ध्यान दीजिएगा, फिगर समझ गए तो सब समझ में आ जाएगा। एक इंजन है रेल का, ठीक है, ये हिल की तरफ जा रही है और इसने विसिल दिया, आवाज़ दी, सीटी दी। उस समय ये कितने डिस्टेंस पर थी? 0.9 किलोमीटर। एज वी नो 0.9 × किलोमीटर मीन्स 1000, तो 1000 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 0.9 × 1000 = 900 meter। तो इसका मतलब ये पहाड़ी से कितनी दूरी पर है? 900 मीटर डिस्टेंस पर है, ठीक है। और इसने इस समय सीटी दी, ठीक है। इफ द इको ऑफ विसल, इको विसिल, सीटी की जो इको है, इज हर्ड बाय ड्राइवर आफ्टर 5 सेकेंड। अब ध्यान देना, ये ट्रेन भाग रही है हिल की तरफ, अप्रोच कर रही है, तो मान लेते हैं ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है या इंजन की वेलोसिटी कितनी है? VE है। कितनी है? VE है। और 5 सेकंड बाद ड्राइवर को इको सुनाई देता है, एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड। साउंड की जो स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकेंड है। अब फिर से ध्यान दीजिए, ये इंजन है, पहाड़ी की तरफ अप्रोच कर रही है, कितनी स्पीड से? VE। कितने डिस्टेंस पर है अभी? 900 मीटर। और इसी समय इसने इको दिया, मतलब इसकी विसिल ने साउंड दिया, तो ये साउंड टकरा करके पहाड़ी से आएगी। तब तक ये इंजन यहाँ के बजाय कहाँ पहुँच चुकी होगी? यहाँ पहुँच चुकी होगी। तो कहते हैं ये जो ड्राइवर इसमें है, ये इस इको को सुनता है, ध्यान दीजिएगा, ये इस इको को सुनता है, विसिल के साउंड टकराई, वापस आई, इस ड्राइवर ने इसको सुना। कितने सेकंड बाद? T = 5 सेकंड। T = 5 सेकंड। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, जो इसमें मजेदार चीज है वो क्या है? कह रहे हैं कि ट्रेन की वेलोसिटी बताओ, साउंड की, सीटी की जो वेलोसिटी है उसको मान लेते हैं VS। तो VS कितना दिया? उस साउंड वेलोसिटी कितनी दी है? वो दिया 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्या नहीं दिया है? ट्रेन की वेलोसिटी नहीं दी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। ये ट्रेन मान लेते हैं, अच्छा नहीं, हम स्टार्ट करते हैं यहां से। ये ट्रेन, एक मैजिक वाली चीज इसमें देखिएगा, ये ट्रेन यहां से यहां पहुंची कितने देर में? 5 सेकंड में। कितने टाइम में? 5 सेकंड में। यहां जब थी तो इसने विसिल दिया था, ये विसिल टकरा करके पहाड़ी से इस ड्राइवर को सुनाई दिया, तब तक ये ट्रेन यहां से यहां पहुंच गई, यहां से यहां पहुंच गई आफ्टर 5 सेकंड। तो दो चीजों के लिए टाइम सेम है, इस ट्रेन का यहां से यहां पहुंचना और इस साउंड का, विसिल की साउंड का यहां तक आना। फिर से ध्यान दीजिएगा, इस ट्रेन का यहां से यहां तक पहुंचना, मान लेते हैं कितना डिस्टेंस कवर की? एक्स डिस्टेंस कवर किया ट्रेन ने, ठीक है। तो बचा डिस्टेंस कितना पहाड़ी से है? 900 - x, ठीक है। ये तो सिंपल था, अब जरा फिर से ध्यान दीजिएगा, ये ट्रेन यहां से यहां पहुंची, टाइम जो भी लगा, उतने ही टाइम में ये साउंड यहां से टकरा करके इस ड्राइवर को वापस सुनाई दिया, मींस इको। तो इस साउंड का यहां तक आना और इस ट्रेन का यहां तक जाना, दोनों का टाइम क्या है? सेम है। तो ध्यान दीजिएगा, लेट ट्रेन या इंजन टेक्स
टाइम इक्वल टू साउंड ऑफ व्हिसल टेक्स टाइम टू रीच एट पॉइंट, इसको मान लेते हैं पी, कौन सा पॉइंट पी, लेट द ट्रेन टेक्स टाइम टू रीच एट पॉइंट पी इक्वल टू साउंड टेक्स टाइम टू रीच एट पॉइंट पी, ट्रेन का यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम और साउंड का यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम, दोनों का टाइम क्या है सेम है। तो चलो भाई आपका टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले टाइम इक्वल टू, टाइम कितना है 5 सेकेंड, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना ट्रेन को टाइम लगा 5 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना कवर किया एक्स अपॉन वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड कितनी है तो ट्रेन की स्पीड हमको नहीं मालूम है, दैट इज वी ई। तो एक्स इक्वल टू 5 × VE, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, साउंड ऑफ विसिल टेक टाइम टू रीच एट पॉइंट पी, जब तक ये ट्रेन यहां पहुंची है तब तक साउंड यहां पहुंचा है, ठीक है। तो साउंड के द्वारा टाइम कितना लिया गया 5 सेकेंड, फॉर साउंड या विसिल फॉर ट्रेन, तो साउंड की जो टाइम है वो कितनी है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना कवर किया 900 मीटर, टोटल डिस्टेंस कवर किया 900 मीटर। और ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक गई 900 मीटर और उसके बाद यहां से टकरा करके वापस यहां तक आई, तो कितना आई 900 - x, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 900 - x। ध्यान दीजिएगा, इतनी डिस्टेंस 900, इतनी डिस्टेंस 900 - x, तो टोटल डिस्टेंस हो गई ये अपॉन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी या स्पीड, तो स्पीड कितनी है भाई इसकी, तो स्पीड है इसकी 340, साउंड की स्पीड है 340। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 × 0 = 0, 5 × 4 = 20, 2 कैरी हो गया, 5 × 3 = 15 और 2 = 17 इक्वल टू 900 प्लस 900 माइनस एक्स, तो 900 कितना हो गया 1800 माइनस एक्स, ठीक है। 1700 इक्वल टू 1800 माइनस इक्वेशन नंबर 1 से एक्स की वैल्यू कितनी है 5 × VE, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो V5VE = 1800 - 1700, दिस विल बी 100 एंड VE = 100, 5 चला जाएगा नीचे तो 5 × 20 = 100, तो VE = 20 m/s। इस इंजन की वेलोसिटी कितनी है 20 m/s। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में साउंड की वेलोसिटी 330 m/s लिया गया है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर 330, तो ये आपकी वेलोसिटी आ जाएगी 30 m/s, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ वेलोसिटी इंजन साउंड की जो दी गई है 340 m/s दी गई है, सो आंसर विल बी 20 m/s, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Another question.